जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आपका हमारी रोजाना 10 मिनट 50 प्रश्न की सीरीज की इस क्लास में। चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, हर्षवर्धन की राजधानी कौन सी थी? तो हर्षवर्धन की जो है राजधानी थी दोस्तों थानेश्वर और कन्नौज दोनों, तो ए और बी जो है अपना दोनों सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ष की मृत्यु के बाद कन्नौज आधिपत्य को लेकर किन तीन महाशक्तियों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष, मतलब जो युद्ध है वो हुआ था? तो ये जो है वो दोस्तों हुआ था पाल, गुजर, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के मध्य, तो उपरोक्त सभी जो है यहाँ पे सही हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक था दोस्तों दंती दुर्ग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, एलोरा में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो एलोरा के अंदर जो है कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था कृष्ण प्रथम ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से राष्ट्रकूट शासक ने उत्तरी भारत के आधिपत्य हेतु त्रिकोणीय संघर्ष में सर्वप्रथम भाग लिया था? तो सबसे पहले इसमें भाग लिया था ध्रुव प्रथम ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राष्ट्रकूट शासक को धारावर्ष भी कहा जाता है? तो धारावर्ष कहते हैं दोस्तों राष्ट्रकूट जो शासक हुए ध्रुव प्रथम उनको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोघ वर्ष के दरबार में कौन विद्वान नहीं था? तो अमोघ वर्ष के दरबार में महावीराचार्य, जिनसेन और संकटायन तो थे लेकिन पौन जो है इसमें नहीं था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुक्रमिक क्रम दीजिए प्रदत्त कूट से सही, मतलब इनमें इनको अनुक्रम में जो है अपने को जमाना है। तो देखिए अगर इन पे इनके अंदर अगर अपन देखें तो सबसे पहले का आएगा आदित्य चोल, फिर प्रांतक चोल प्रथम, फिर आएगा राजराज चोल प्रथम और फिर आएगा राजेंद्र चोल। तो इस प्रकार से अपना बी जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, राजराजेश्वर मंदिर समर्पित हैं, ये जो मंदिर है दोस्तों शिव को समर्पित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित चोल शासकों में से किसने राजकीय अभिलेखों के आरंभ में ऐतिहासिक भूमिका देने की प्रथा चलाई? तो ये जो है सबसे पहले प्रथा चली थी दोस्तों राजराज ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा कि चोल कलाकारों ने देवियों के समान करुणा की तथा जौहरियों के समान उसे पूरा किया? तो ये कथन जो है दोस्तों फर्ग्यूसन का है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन चोलों के सिक्कों पर उत्कीर्ण नहीं है? चोलों के जो सिक्के हैं उनके ऊपर देखा जाए तो चीता, धनुष और मत्स्य है लेकिन हाथी जो है इनके ऊपर उत्कीर्ण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी अपना सही हो जाएगा। कौन सा मंदिर चोलों से संबंधित नहीं है? अब इनमें से अगर देखा जाए तो कैलाशनाथ का जो मंदिर है ये चोलों से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से किस एक चोल शासक ने रामानुज को उत्पीड़ित किया था तथा उन्हें अपने राज्य से बाहर निकाल दिया था? इनमें से अगर देखा जाए तो कुलोत्तुंग जो द्वितीय था इसने रामानुज को जो है उत्पीड़ित किया था। चोल देश में कौन स्थल सूती कपड़े के लिए प्रसिद्ध था? तो चोलों के अंदर जो है दोस्तों उरेयूर जो है ये सूती कपड़े के लिए प्रसिद्ध था। किस चोल शासक को सुंगम तवीर्त चोल, करों को हटाने वाला, की उपाधि मिली है? तो ये जो है उपाधि दोस्तों मिली थी कुलोत्तुंग प्रथम को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल काल में वेटी से अभिप्राय था, वेटी जो है दोस्तों सार्वजनिक कार्यों के लिए एक बेगार जो होती थी उसको कहा जाता था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, तरकोलम का युद्ध हुआ था, तो ये जो है युद्ध हुआ था दोस्तों चोलों और राष्ट्रकूटों के बीच में, ऑप्शन नंबर डी अपना सही हो जाएगा। मदुरई कोंडम की उपाधि किसने धारण की थी? तो मदुरई कोंडम की उपाधि जो है दोस्तों ये धारण की थी प्रांतक प्रथम ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चोल शासक की उपाधि गंगे कोंड थी? तो गंगे कोंड जो है दोस्तों राजेंद्र प्रथम की उपाधि थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल गंगम तालाब का निर्माण करवाया था, तो चोल गंगम जो है तालाब इसका निर्माण करवाया था राजेंद्र प्रथम ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल शासकों के आय का मुख्य साधन क्या था? तो चोलों के आय का मुख्य साधन था दोस्तों भूमिकर। चोलकालीन प्रशासनिक इकाई जो व्यापारियों के कल्याण की देखरेख करती थी उसको हम कहते हैं दोस्तों नगरम। नगरम नाम की जो व्यापारिक इकाई थी ये व्यापारियों के कल्याण की देखरेख करती थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, चोलकालीन चित्रकला के साक्ष्य निम्न स्थल से प्राप्त हैं? तो इनमें से अगर देखा जाए तो तंजौर से जो हमें ये साक्ष्य प्राप्त होते हैं। संगम साहित्य में कावेरी पतनम का संबंध किससे है? तो संगम साहित्य में कावेरी पतनम चोलों से जो है इसका संबंध है। चोल सम्राटों के अधीन कुर्रम क्या था? कुर्रम जो है दोस्तों कुछ ग्रामों का समूह हुआ करता था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, चोलकालीन स्थानीय स्वशासन एवं ग्राम स्वराज्य के ग्राम व्यवस्था के अंतर्गत सभा नामक संस्था कहाँ कार्यरत थी? तो ये सभा नामक जो संस्था थी ये दोस्तों ब्राह्मणों को दान दिए जाने वाले गाँव से संबंधित थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल वंश का राजस्व अधिकारी कौन था? तो उस समय चोल वंश का जो राजस्व अधिकारी था दोस्तों वो वरित्प गोत्तक था कहलाता था। चोलों के समय उर की कार्यकारिणी कहलाती थी, जो उर होता था उसकी कार्यकारिणी जो है आलुंगणम कहलाती थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल शासन में लगान वसूली का माध्यम था, तो उस समय लगान वसूली का माध्यम ग्राम सभा हुआ करती थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल काल के उत्तर मेरू सभा के निर्वाचन के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? अब जो गलत है वो अपने को बताना है। तो देखिए
ग्राम 30 उपखंडों में बटा हुआ था, सही है। प्रत्येक उपखंड से 2 प्रतिनिधि चुने जाते थे, गलत है, क्योंकि प्रत्येक उपखंड से जो है एक ही प्रतिनिधि चुना जाता था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, चोलों के अंतर्गत तट्टोली कर अदा करते थे, मतलब ये तट्टोली जो कर है ये कौन अदा करते थे, ये जो है सुनार जो होते थे दोस्तों ये अदा करते थे। चोल राज्य में नाट विनियोगम शब्द का क्या अभिप्राय था, तो नाट विनियोगम शब्द जो है इस ये नाडू के खर्च के लिए एक कर हुआ करता था। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, अब जो गलत है वो अपने को बताना है, तो अरसर शासक वर्ग सही है, मलवर दस्युओं को कहा गया ये भी सही है, ईएनर ये शिकारी है, बेनिगर चर्मकार ये गलत हो जाएगा क्योंकि बेनिगर जो है व्यापारियों को कहा जाता था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, किससे चोल साम्राज्य के प्रशासनिक प्रभागों का सही अवरोही क्रम ज्ञात होता है, अब इनमें से उनका अवरोही क्रम पहले बड़ा और फिर जो है छोटा आएगा, तो देखिए बड़ा हुआ करता था मंडलम, फिर कोटम और फिर नाडू, तो ऑप्शन नंबर बी जो है अपना सही हो जाएगा। चोलों के स्थानीय स्वायत्तशाली ग्राम प्रशासन की जानकारी उत्तर मेरुर अभिलेख से होती है, इस अभिलेख का संबंध किस चोल शासक से है, तो उत्तर मेरुर जो अभिलेख है दोस्तों ये प्रांतम प्रथम का अभिलेख है। चोल प्रशासन में पाडिक्वल से तात्पर्य है, पाडिक्वल जो है दोस्तों तालाबों के सॉरी ग्राम सुरक्षा से के लिए दिया जाने वाला कर हुआ करता था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल प्रशासन में उड़े कुट्टम अधिकारी का क्या कार्य था, जो उड़े कुट्टम जो अधिकारी हुआ करता था दोस्तों इसका कार्य था कि राजा के आदेशों को लिपिबद्ध करना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, किरातार्जुनीयम ग्रंथ के रचयिता भार्वी किस शासक के दरबार में रहते थे, ये जो है दोस्तों विद्वान पल्लव शासक सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, वह पल्लव शासक जिसका उल्लेख समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है, तो प्रयाग प्रशस्ति में विष्णु गोप का जो है उल्लेख मिलता है। किस पल्लव शासक ने मत्ती विलास प्रसन्न नामक ग्रंथ की रचना की थी, तो इस ग्रंथ की रचना की थी दोस्तों महेंद्र वर्मन प्रथम ने। फिर नेक्स्ट, संस्कृत के प्रसिद्ध लेखक दंडिन किसके दरबार में थे, दंडिन जो है दोस्तों नरसिंह वर्मन सेकंड के दरबार में विद्वान थे। कांची के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर निर्माण किस पल्लव शासक ने करवाया था, जो कांची का जो कैलाश मंदिर है इसका निर्माण नरसिंह वर्मन सेकंड ने करवाया था। किस पल्लव शासक ने एकाश्म रथ मंदिरों का निर्माण हुआ, तो वो मतलब कौन पल्लव शासक थे, तो वो थे दोस्तों नरसिंह वर्मन प्रथम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वाकाटक शासक ने सर्वप्रथम सम्राट की उपाधि ग्रहण की थी, अगर वाकाटक शासकों की बात की जाए तो प्रवरसेन प्रथम जो हुआ करते थे इन्होंने ग्रहण की थी। किस वाकाटक शासक ने सेतुबंध नामक काव्य की रचना की थी, सेतुबंध नामक जो काव्य हुआ करता था ये प्रवरसेन द्वितीय ने इसकी रचना की थी। फिर नेक्स्ट, यहाँ दो सूचियाँ दे रखी हैं और इन सूचियों को अपने को मिलाना है, देखिए पुलकेशिन ये वातापी के चालुक्य थे, विष्णुवर्धन ये वेंगी के चालुक्य थे, तेलब सेकंड ये कल्याणी के चालुक्य थे और मूलराज फर्स्ट ये गुजरात के चालुक्य या सोलंकी शासक हुआ करते थे। अरब यात्री सुलेमान किस गुर्जर प्रतिहार शासक के काल में भारत आया था, ये आया था दोस्तों मिहिर भोज फर्स्ट के काल में। किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने आदिवराह व प्रभास पाटन की उपाधियाँ धारण की थी, तो ये धारण की थी दोस्तों मिहिर भोज फर्स्ट ने। फिर नेक्स्ट, राजशेखर किस दरबार में थे, जो राजशेखर जो है दोस्तों महेंद्रपाल फर्स्ट और महिपाल फर्स्ट दोनों के दरबार में थे, तो उपरोक्त दोनों जो है सही हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों अपनी रोजाना 10 मिनट 50 प्रश्न की सीरीज की आज की क्लास, आशा करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद।